हेलो फ्रेंड्स, आज आपके दिन के आगाज को रोमांटिक तो बना ही दिया होगा श्रद्धा कपूर ने और प्रभास ने, क्योंकि आप देख चुके होंगे साहू मूवी का नया पोस्टर, जो कि एक रोमांटिक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें एक्शन नहीं है, इस बार रोमांस दिखाया गया है। तो अगर आपने इस पोस्टर को नहीं देखा तो इस वक्त आपके स्क्रीन पर मौजूद है 300 करोड़ के बजट वाली मूवी साहू का नया पोस्टर जो जारी किया गया है। और पिछले कुछ दिनों से फैंस बहुत ज्यादा निराश थे साहू मूवी को लेकर, क्यों? क्योंकि इस मूवी की रिलीज डेट जो आगे कर दी गई थी, और अब जितना बढ़िया और अमेजिंग पोस्टर जारी किया गया है सभी फैंस को खुश कर दिया है साहू मूवी ने। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बहुत सी अपडेट्स पर बात करने वाले हैं साहू मूवी को लेकर, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। अगर आप भी प्रभास और श्रद्धा कपूर के फैन हैं और इस बड़े बजट वाली बड़े एक्शन वाली मूवी के इंतजार में हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। गर्लफ्रेंड 30 अगस्त 2019 को सिनेमाघरों पर रिलीज होगी एक्शन और थ्रिलर से भरपूर ये मूवी, जिसे डायरेक्शन दी है सुजीत ने। ये एक मल्टी स्टारर मूवी है और बाहुबली 2 के रिलीज होते साथ ही इसका पहला लुक पोस्टर जारी किया गया था, और उसी दिन से लेकर आज तक इस मूवी की बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं, बहुत इंतजार है। और फिर इस मूवी के टीजर ने आकर तो इस क्रेज को और इस इंतजार को और ज्यादा बड़ा कर दिया। आपको बता दें कि इस मूवी में हमें प्रभास और श्रद्धा कपूर तो एक साथ पहली बार देखने को मिलेंगे ही, लेकिन जैकी श्रॉफ भी होंगे, नील नितिन मुकेश भी होंगे, इसके अलावा चंकी पांडे भी होंगे। और सिर्फ यही नहीं, एक बड़ी स्टार कास्ट है जो विलन के किरदार में भी होगी, और बहुत बड़ा क्रू रखा गया था इस मूवी को लेकर। अब बात की जाए इस मूवी के बजट की, तो 300 करोड़ के बजट पर बनाई गई इस मूवी को हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में एक साथ एक ही दिन पर सिनेमाघरों पर रिलीज किया जाएगा, और बहुत बड़े लेवल पर। और कम से कम इस मूवी को 4000 के करीब स्क्रीन काउंट सिर्फ और सिर्फ हिंदी वर्जन से ही दिया जाएगा। आपको बता दें कि बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी की प्रोडक्शन में शामिल है, जैसे कि यूवी क्रिएशंस और टी सीरीज, जिन्होंने इस मूवी के टीजर भी लॉन्च किए चारों लैंग्वेज में, और उनको इतना अच्छा इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला कि सबसे ज्यादा व्यूज भी कमा चुके हैं और लाइक्स भी मिल चुके हैं इन्हीं टीजर को। अब बात करते हैं शूटिंग की, तो इस मूवी को ऑस्ट्रिया, हैदराबाद, मुंबई, अबू धाबी, दुबई, रोमानिया और यूरोप में शूट किया गया है, और बहुत बड़ा एक्शन सीक्वल इसका दुबई में शूट किया गया था जिस पर 90 करोड़ खर्च किए गए थे। इस बार इस मूवी को लेकर टी सीरीज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उनकी ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहेगी, क्योंकि इस मूवी के राइट्स टी सीरीज ने नहीं बेचे और खुद इसको डिस्ट्रीब्यूट और सिनेमाघरों तक पहुंचाने का काम टी सीरीज ही करेगा, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भूषण कुमार और कृष्ण कुमार कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगी ही, और इस पर लगाया गया पैसा वापस आएगा दो गुना होकर। और वैसे भी फ्रेंड, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मूवी एक अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि फर्स्ट सॉन्ग ने भी जो बस क्रिएट कर दिया है और टीजर ने भी उसमें जो इजाफा किया है वो वाकई ही काबिले तारीफ है, और यूं कहा जा रहा है कि 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी साहू ही बन पाएगी। इस मूवी के लिए प्रभास ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है और अपना वेट लूज करने के साथ साथ स्पेशल ट्रेनिंग भी ली है फाइट करने की और एक्शन सीन्स की, और वो इस मूवी में एक कॉप का किरदार निभा रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टर है उनका। तो अब देखना होगा ये मूवी कैसी रहती है, और आपको इस मूवी का पोस्टर कैसा लगा है जो आज के दिन पर रिलीज किया गया है। और जब से ये मूवी रिलीज हुई है तब से लेकर अब तक ये पहला पोस्टर है जिसमें हम दोनों स्टार्स को एक साथ देख रहे हैं। तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से, क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहेगी, सुपर हिट रहेगी, ब्लॉकबस्टर या के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। और अगर वीडियो और जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन फॉर मोर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।